जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने अभी अपना क्लाउड किचन ओपन किया है, और क्लाउड किचन में ना हमें ज़्यादा जब ऑर्डर आता है तब तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं होता है, हमें हार्डली एक 10 मिनट 12 मिनट मिलते हैं जिसमें ना हमें पूरी थाली की रेडी प्रिपरेशन करनी होती है और फिर उसे पैक भी करना होता है, उतने में ना राइडर आ जाता है। तो इसीलिए ना कुछ चीज़ें हमें ना पहले से ही प्री प्लान करके प्रिपेयर करके फ्रिज में रखनी होती है ताकि जब ऑर्डर आए तो हम फटाफट से तुरंत उसे यूज़ कर सके। तो जैसे कि ना टमाटर हो गया, टमाटर तो इतनी चीज़ों में जाता है ना, हर सब्जी में, जैसे राजमा में चला गया, छोले में चले गए, ग्रेवी की कोई सब्जी है उसमें चले जाते हैं, तो टमाटर काफ़ी यूज़ होता है। तो इसलिए मैंने ना 1 किलो टमाटर अच्छे से धोकर ले लिए, उसे कट कर लिए बड़े बड़े टुकड़े, और मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, और तेल में मैंने टमाटर को बस ऐसे ही, कोई मैंने राई जीरा हींग कुछ नहीं डाला है, बस जैसे तेल गर्म हो गया मैंने टमाटर डाल दिया, टमाटर अच्छे से गल गए, पूरे पक जाने चाहिए और फिर ठंडे हो गए, मैंने डाल दिए उसे मिक्सर जार में और इसे अच्छे से मैंने घुमा लिया, बिल्कुल इसका एक प्योरे बना दिया है। और अब है ना इसे छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो इसके जो छिलके होते हैं ना वो मुँह में आते हैं ना जब हम सब्जी में डालेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और हमारी जो रेटिंग है ना वो भी कम हो जाती है कस्टमर की। तो इसीलिए बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि छानना बहुत ज़रूरी है, सारा इसका जो कचरा है ना ये निकाल देना है, और फिर बाद में देखिए एकदम है ना एकदम इस तरह से हमें क्रीमी टेक्सचर वाली प्योरी हमें मिल जाती है। लेकिन अभी ये एक स्टेप और बाकी है, इसे हमें अच्छे से फिर से उबालना है। और अगर आप मिक्सर जार को धो के थोड़ा सा पानी अगर डालना चाहो तो इस वक्त डाल दीजिए, क्योंकि बाद में हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। देखिए अच्छे से उबल गया है, तो अब थोड़ा प्रिजर्वेटिव के लिए ना मैंने थोड़ी सी इसमें शक्कर डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है ताकि ये ना एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। लेकिन ये ना ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, आपको फ्रिज में इसे 4-5 दिन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मेरी 4-5 दिन के लिए मैंने ये प्यूरे बना दिए ताकि मैं 2 चम्मच लेके जल्दी से राजमा या छोले जो भी मैं बना रही हूँ उसमें मैं इसका यूज़ कर सकूँ। तब देखिए इसे अच्छे से मैं उबलने दूंगी, करने दूंगी, एकदम गाढ़ा गाढ़ा, ये देखिए इस तरह से हो गया। अब मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया बंद, इसे अच्छे से ठंडा होने देती हूँ, और बिल्कुल ठंडा होने के बाद में मैं इसे या तो कोई ग्लास का कंटेनर या कोई एकदम क्लीन कंटेनर आप ले लीजिए, एयर टाइट कंटेनर, और उसमें ना इसे आप भर दीजिए, और फिर बाद में इस बॉटल को मैं फ्रिज में ही रखूँगी क्योंकि मुझे 4-5 दिन में इसे ख़त्म करना है। अगर आपने ज़्यादा बनाया और ज़्यादा लंबे समय के लिए इसे स्टोर करना है तो आप इसे फ्रीज़र में डाल दीजिए ताकि फ्रीज़र में ना ये आप 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा। तो बस देखिए कैसी लगी आपको ये मेरी टोमेटो प्यूरे की रेसिपी, मुझे बताइएगा और मुझे फॉलो भी करते रहिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।